हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे यूट्यूब प्लेटफॉर्म रन बाय अलकारो करियर इंस्टीट्यूट। बेटा स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज इस क्लास के सेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं डीडीटी के बारे में। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। डीडीटी जिसे मच्छर मारने के लिए या एज ए इंसेक्टिसाइड या एज ए पेस्टिसाइड भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहले आज से लगभग 20 से 25 30 साल पहले इसका काफी मात्रा में यूज किया जाता था। पहले गवर्नमेंट के द्वारा भी जैसे ही बारिश का मौसम आता था उस वक्त जहां भी जिन स्थानों पे पानी ज्यादा भरा होता है उन जगहों पर डीडीटी का छिड़काव गवर्नमेंट के द्वारा भी करवाया जाता था। अभी भी कई जगह पर ऐसा करवाया जाता है, ठीक है। बट अब धीरे धीरे इसका यूज कम होने लगा है। या हम कहें डीडीटी क्या है, कैसे एक्ट करता है, इसका इतिहास क्या रहा है, आज इस सेशन में हम डीडीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डीडीटी को मेनली मोटा मोटा जो यूज होता था वो होता था मच्छर मारने के लिए, ठीक है। बट आज के वक्त ऐसा हो चुका है कि डीडीटी के लिए मच्छरों के अंदर भी एक एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है। अब डीडीटी का असर मच्छरों पर भी लगभग न के बराबर होता है या नहीं होता, ठीक है। दूसरी हम बात करें डीडीटी को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो डीडीटी बनाने का तरीका है कि हम क्या करें, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन या हम कहते हैं हेलोएरिंस, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन के टू मोलिक्यूल्स लेंगे हम, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन के टू मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, एक ये ऊपर की तरफ है और एक ये नीचे की तरफ। तो दो मॉलिक्यूल मैंने आपको यहां सामने लिखे हैं क्लोरोबेंजीन के। क्लोरोबेंजीन के टू मॉलिक्यूल्स को आप रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ये होता है आपका क्लोरेल। इसको हम कहेंगे क्लोरेल, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्लोरेल, ये कंपाउंड है हमारा क्लोरेल। क्लोरेल इसे हम कह सकते हैं CCl3CHO, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैंने इसके फॉर्मूले को कुछ इस तरह से ओपन करके लिखा है, CCl3 और इसके साथ ये CH और C के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, CCl3CHO क्लोरेल कह सकते हैं या ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है बेटा, ये इसका नाम हो जाएगा। ये होता है आपका क्लोरोबेंजीन। अब हम क्या करें, क्लोरोबेंजीन को क्लोरेल के साथ रिएक्ट करवाते हैं और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में या एज ए कैटलिस्ट हम यहां कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, थोड़ा गर्म करेंगे। तो क्या होगा यहां से, यहां आपके ये जो ऑक्सीजन है, जो एल्डिहाइड की ऑक्सीजन है, इन दोनों हाइड्रोजन एटम के साथ ये ऑक्सीजन H2O बनाकर बाहर रिमूव हो जाएगी। और ये जो क्लोरोबेंजीन का जो ये कार्बन है, मतलब क्लोरोबेंजीन का क्लोरो जिस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है उसके ठीक सामने वाला कार्बन या पैरा पोजीशन का कार्बन, तो पैरा पोजीशन का ये जो कार्बन है हम कह सकते हैं दोनों जो सामने वाले कार्बन है, ये दोनों कार्बन इनसे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। तो यहां से H2 बाहर रिमूव होगा। अब क्या बनेगा इससे, अब जो बनेगा उसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये आपका पहला क्लोरोबेंजीन है जो ऊपर की तरफ बना हुआ है, ठीक है, और इसने बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया है इस कार्बन के साथ H2O, ये चला गया। तो इस कार्बन को मैं ऐसे लिख सकता हूं CHCCl3, और इसी कार्बन के साथ दूसरे क्लोरोबेंजीन ने भी बॉन्ड बनाया है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके डीडीटी की स्ट्रक्चर होती है, इसे हम कह सकते हैं डीडीटी। ये आपका होता है डीडीटी, ठीक है, इसका नाम लिख सकते हैं, ये आपका कंपाउंड हो गया डीडीटी, ठीक है डीडीटी। अब बात करें डीडीटी को फुल नेम इसका क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट नेम दिया हुआ है डीडीटी, क्या नाम हो सकता है इसका। हम अब ये कार्बन इसमें सीनियर हो जाएगा तो इसके हिसाब से ये दोनों पैरा पोजीशन हो गई, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं पैराडेस क्लोरो। तो दो क्लोरोबेंजीन है इसमें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको, अब देखो मैंने यहां लिखा हुआ है नाम इसका, पहले हम कहेंगे डाइक्लोरो आ गए, फिर आ गए डाइफेनाइल, देखें इसमें डाइक्लोरो डाइफेनाइल, फिर ट्राइक्लोरो 1 2 3 ट्राइक्लोरो, फिर ये एथेन, ठीक है, याद रखें डाइक्लोरो डाइफेनिल
ट्राइक्लोरो और ये इथेन, बीच में टू कार्बन की चेन है, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब समझे, इसका यूज किया गया था उस वक्त एज ए इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में इसका यूज किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, एक्चुअली हुआ क्या समझे एक बार, 1873 में सबसे पहला इस कंपाउंड को बनाया गया, 1873 में बना लिया गया था ये, बट उस वक्त इसको बना तो लिया गया, ये एक सबसे पहला या सबसे फर्स्ट जो है सबसे पहला ऑर्गेनिक क्लोरीनेटेड कंपाउंड था, बट इसके यूज का पता चले 1873 में इसको बनाया गया, 1873 में इसको बना लिया गया, पर 1939 में पॉल मुलर एक साइंटिस्ट थे गीगी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में स्विट्जरलैंड में, तो पॉल मुलर ने सबसे पहले यह बताया कि भाई डीडीटी के अंदर मॉस्किटो किलर जैसी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इससे हम कीड़े मार सकते हैं, इससे हम मच्छर वगैरह मार सकते हैं, ये मतलब कि 1873 के कई वर्षों बाद में पता चला, यूं मान के चलो 50 साल से भी ज्यादा, या मैं कह दूं 50 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम के बाद जब खोज हो गई 1873 में और इसकी प्रॉपर्टीज पता चली 1939 में, क्या पता चला, इसकी इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज का पता लगाया पॉल मुलर ने गीगी फार्मास्यूटिकल्स में। उस वक्त क्या था, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब यूरोपियन कंट्रीज की जो आर्मीज थी, जो सेनाएं थी, जब जंगल से गुजरती थी तो वहां मच्छर वगैरह से, इनसे उनकी काफी बीमारियां वगैरह और डेथ भी हुई थी। ठीक है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए फिर 1939 में इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी कि भाई डीडीटी को हम मच्छर मारने के लिए यूज कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम फिर इसका यूज बहुत ज्यादा किया गया मच्छर मारने के लिए। ठीक है, जंगलों में इसका छिड़काव किया जाता जहां सेनाएं ठहरती थी या चलती थी। ठीक है, तो उस वक्त इसका यूज काफी ज्यादा किया जाने लगा। ठीक है, अच्छा, इतनी बढ़िया खोज की, मतलब उस वक्त मच्छर मारने के लिए, इतने लाखों सैनिकों की जान बचाने के लिए, तो पॉल मुलर को 1948 में लगभग 9 साल बाद, जब इन्होंने पॉल मुलर ने जब डीडीटी की इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी के बारे में बताया, तो फिर इस बात से खुश होकर 1948 में इन्हें मेडिसिन डिपार्टमेंट में नोबेल प्राइज दिया गया, मेडिसिन और फिजियोलॉजी के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1948 में, तो 1948 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, अब उस वक्त लगभग काफी ज्यादा इसका यूज बढ़ने लगा, 25-30 साल इसका काफी ज्यादा यूज किया गया, पर धीरे धीरे हमें पता है हर चीज अगर कुछ फायदा कर रही है तो उसे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं ओवर यूज करने के, तो धीरे धीरे पता चला कि जब इसको खेतों में मच्छर मक्खी कीड़े मारने के लिए अगर छिड़काव करते हैं या आसपास के वातावरण में करते हैं, तो जब ये खेतों में मिट्टी में जाएगा, जब ये मच्छर मार सकता है, तो जब ये मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट से ये ह्यूमन बॉडी में आता है, तो हमारे लिए फिर ये कैंसर और बीमारियों का एक रीजन बन जाता है। इसलिए 1973 में डीडीटी को यूनाइटेड स्टेट्स ने या अमेरिका में इसको बैन कर दिया गया, इन्होंने इसको बैन कर दिया, बट फिर भी कुछ कंट्रीज के अंदर इसका आज भी यूज किया जाता है। तो ये एक छोटी सी थ्योरी है, छोटा सा हिस्ट्री में कहते इतिहास है डीडीटी के बारे में। तो डीडीटी आपका 12th क्लास में एनसीईआरटी का टॉपिक भी है और एक कॉमन जनरल साइंस के लिए भी एक टॉपिक आपका हो सकता है। ठीक है, बट आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।